और इससे पहले बुलंदशहर हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज का भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो खुद को बेकसूर बता रहा था। बुलंदशहर हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह और सुमित की हत्या को 3 दिन हो चुके हैं लेकिन मुख्य आरोपी योगेश राज अब तक फरार है। इस बीच आरोपी बजरंग दल के नेता योगेश ने वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया है। मैं दूसरी घटना में उक्त स्थल पर मौजूद नहीं था, मेरा दूसरी घटना से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर मुझको न्याय दिलाएंगे, मुझे ऐसा भगवान पर पूर्ण भरोसा है। धन्यवाद। वहीं बजरंग दल मेरठ प्रांत के संयोजक प्रवीण भाटी योगेश के समर्थन में आए और पुलिस पर योगेश को फंसाने की साजिश का आरोप लगाया। दी आवश्यकता पड़ेगी, सही समय आने पर न्यायालय के समक्ष वो प्रस्तुत भी होगा, पर हमारी मांग ये है कि उच्च जांच एजेंसी इसकी जांच करे। 72 घंटे, जी हाँ, घटना के 72 घंटे बाद शुक्र मनाइए। आखिरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शहीद सुबोध सिंह के परिवार की याद आ गई। बुलंदशहर में हिंसक प्रदर्शन में गोली लगने से शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध के परिवार से सीएम योगी आज मिलेंगे। लखनऊ में योगी के घर पर सुबह 9:30 बजे ये मुलाकात होगी। शहीद सुबोध सिंह की पत्नी और बेटे योगी से मिलकर इंसाफ की मांग करेंगे। साफ होना चाहिए सर, ये पॉलिटिक्स का जो गेम है, जो नेता लोग, प्रवक्ता लोग और सर जो यूथ लीडर्स जो भी हैं, सर ये इतनी शर्मनाक बातें कर रहे हैं, इतनी एम्बैरेसिंग सर इनकी स्टेटमेंट्स है सर। इससे पहले बुलंदशहर में हिंसक प्रदर्शन के दौरान सीएम योगी के चुनाव प्रचार में व्यस्त रहने के बाद विवाद भी खड़ा हो गया था। सवाल उठे थे कि योगी बुलंदशहर क्यों नहीं गए। और इसी हिंसा में मारे गए सुमित के परिवार ने इंसाफ के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बुलंदशहर हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के अलावा सुमित नाम के युवक की भी मौत हुई थी। सुमित के परिजनों ने बुलंदशहर में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सुमित के घर वालों ने मृतक सुमित को भी इंस्पेक्टर सुबोध की तरह शहीद का दर्जा दिए जाने समेत कई मांगे की। प्रतिज्ञा यदि हमारा ये मांग पूरी न हुई, उसका नाम न कटा उस FIR से, तो हम जब तक भूखे रहेंगे और भूखे रहते रहते हम मर जाएंगे। बजरंग दल के मेरठ संयोजक बलराज ने भी सुमित के परिवार से मुलाकात कर हड़ताल का समर्थन किया और बुलंदशहर हिंसा के लिए मुस्लिमों के कार्यक्रम इज्तिमा को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच कल एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें सुमित भी पुलिस पर पत्थरबाजी करते दिख रहा था। ये है ABP News, आपको रखे आगे।